हेलो इंजीनियर्स, राधे राधे। आज मैं बात करने वाला हूँ सिमेटिक S7200 स्मार्ट PLC का बारे में। ठीक, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये सीमेंस की PLC है, सिमेटिक S7200 स्मार्ट PLC। चलिए मैं इसके बारे में आपको पूरा डिस्क्रिप्शन बताऊंगा, कहाँ पे क्या होता है, सभी कुछ A to Z आपको बताऊंगा। ये देखिए, आपका यहाँ से मैं स्टार्ट करूँ तो ये आपका रन स्टॉप एरर का पॉइंट है। ये फिलहाल आपका PLC रन मोड में है, जब स्टॉप मोड में आएगा तो स्टॉप कर दिखाएगा, एरर मोड में आएगा तो एरर मोड का आपका बताएगा। ये देखिए, इसका बात करूँ CPU, CPU इसमें कौन सा है, ST20। ठीक, एस में आपका बताता है स्टैंडर्ड का, टी बताता है ट्रांजिस्टर टाइप का, और 20 बताता है नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं कि 8 इनपुट ऊपर हैं, 4 इनपुट नीचे हैं, तो 8 × 4 = 12 इनपुट टोटल हो गए, और नीचे ये 8 आउटपुट हैं। ठीक, यहाँ पे ये आपका डिजिटल इनपुट है, ये आपका डिजिटल आउटपुट है। डिजिटल इनपुट को DI से डिनोट करते हैं, डिजिटल आउटपुट को DQ से डिनोट करते हैं। ठीक, यहाँ पे देखिए 0, 1, 2, ये अभी फ़िलहाल इसका इंडिकेशन ऑन है, तो यानी ये वर्किंग में इसका अभी जो भी फंक्शन है वो वर्क कर रहा है। और प्लस इसका IP एड्रेस की बात करूँ इस PLC का 192.16.1.111 है। ठीक, अब ये देखिए, हम बात यहाँ पे RS485 पोर्ट का बात करूँ तो ये देखिए, ये दो वायर, एक ब्लैक है, ये रेड है। ये मल्टी फंक्शन मीटर से यहाँ पे आया हुआ है, जो मतलब मल्टी फंक्शन मीटर का एम्पियर वोल्टेज सब कुछ इसमें PLC से कमांड हो सक PLC के थ्रू हम लोग अपने सिस्टम पे देख सकते हैं। यहाँ देखिए RS485 पोर्ट X20 लिखा हुआ है। RS485 में 9 पिन है होते हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट है, ये इसके साथ एक्सपेंशन मॉड्यूल लगा हुआ है, जो एक कार्ड जिसे बोल सकते हैं, ये सिमेटिक S7200 स्मार्ट है। ये देखिए EMDT32, EM का फुल फॉर्म होता है आपका एक्सपेंशन मॉड्यूल, DT का D आपको बताता है डिजिटल, T आपको बताता है ट्रांजिस्टर, 32 बताता है आपको नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट। तो यहाँ देखिए DI AG, ये फिलहाल इंडिकेशन मोड में है। 0, ये आपका जो ये है, ये आपका इंडिके ऑन है, इंडिकेशन बता रहा है आपको, मैंने बताया था 32 नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट। तो यहाँ देखिए 8 इनपुट है, फिर यहाँ पे 8 इनपुट है, डिजिटल इनपुट A, डिजिटल इनपुट B, तो 8 × 8 = 16। ठीक, यहाँ पे डिजिटल आउटपुट A, डिजिटल आउटपुट A, DQ यानी आउटपुट को Q से हम लोग डिनोट करते हैं, ये आपका 8 है, और फिर ये भी आपका 8 है, 8 × 8 = 16, 16 × 16 = 32, तो आपका ये हो गए पूरे 32। साइड में ये आपका देख सकते हैं, आपका ये एनालॉग कार्ड लगा हुआ है सिमेटिक S7200 स्मार्ट का 01। ये देखिए EMA03, इसका मैं बात करूँ तो EM का फुल फॉर्म एक्सपेंशन मॉड्यूल होता है, AM एनालॉग मॉड्यूल होता है, 03 नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट, यहाँ नंबर ऑफ इनपुट 01 यानी दो इनपुट है, आउटपुट कितने हैं 1, जैसा कि आप देख रहे हैं ये फिलहाल ऑन है। ठीक, AQ AI का फुल फॉर्म होता है एनालॉग इनपुट, AQ का फुल फॉर्म होता है एनालॉग आउटपुट। आपका ये आपका वर्किंग है, ये आपका किसके लिए एनालॉग आउटपुट किसके लिए, यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, ये आपका फ्लो मीटर के लिए लगा हुआ है। PLC को मतलब कम्युनिकेशन करने के लिए हम लोग लैन कार्ड का यूज करते हैं, प्रोफिनेट लैन केबल का यूज करते हैं, कार्ड सॉरी। आप फिलहाल ये देखिए, ये आपका मैक एड्रेस है, प्रोफिनेट लैन कार्ड यहाँ पे हम लोग लगाते हैं, जो आपका ये जाके राउटर से यहाँ पे लगा हुआ है, राउटर के जो आपको पूरे यहाँ मल्टी फंक्शन मीटर का पूरा आपको डाटा भेजता रहता है सिस्टम पे। 1M यानी ये माइनस के लिए बताता है, यहाँ पे 8 इनपुट हैं, फिर 4 इनपुट हैं, यहाँ 24 वोल्ट DC सप्लाई, यहाँ पे माइनस है यानी -24 वोल्ट DC सप्लाई चाहिए यहाँ ये अर्थ के लिए। ये देखिए आपका QR कोड है, इस QR कोड को स्कैन करके आप इसके विषय में पूरा जान सकते हैं।
अब मैं आप फिलहाल तो ये इथरनेट केबल के बारे में बता दिया है। यहाँ देखिए -24 वोल्ट डीसी सप्लाई आया, बाकी ये सभी फेरुल नंबर आपके 6 फेरुल नंबर हैं। फिर यहाँ से ओपन एप भी है, क्लोज एप भी, ओपन एप भी, ये सभी आपके कमांड हैं। यहाँ +24 वोल्ट DC सप्लाई है, फिर यहाँ -24 वोल्ट DC सप्लाई है। अब चलिए मैं नीचे वाले टर्मिनल की बात कर लेता हूँ। जैसा कि मैं इस टर्मिनल को निकाल देता हूँ, चलिए जैसा कि देख रहे हैं कि यहाँ पे 24 वोल्ट DC आउटपुट है, 2LM2M यानी 24 वोल्ट DC सप्लाई यहाँ पे आएगा और निगेटिव सप्लाई -24 वोल्ट यहाँ पे आया हुआ है। यहाँ पे ये टर्मिनल है, यहाँ पे आपका 8 आउटपुट है, यहाँ ये LM ठीक, यानी LM यानी 24 वोल्ट DC सप्लाई -24। माइक्रो SD कार्ड है यहाँ पे लगेगा, यानी मेमोरी कार्ड है स्टोरेज के लिए ठीक। बाकी आपको मैंने सभी कुछ बता दिया इसके विषय में। और दोस्तों, ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर दोस्तों। तब तक के लिए राधे राधे।